नमस्कार। केके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड माय टीचर्स, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं कैम्ब्रिज की बात राम रैना के साथ इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम आपके लिए पेरेंट्स टेलीकास्ट हो रहा है और इस प्रोग्राम का बेसिक रीजन है कि मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर में एक अच्छा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तैयार हो। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इनिशिएटिव को, जो इनिशिएटिव केके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट ने लिया है, स्पेशली मिस्टर पंकज सर, कि उन्होंने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल अमरावती को ट्रांसफॉर्म कैसे हो, उसका डेवलपमेंट और कैसे हो, इसी को ध्यान में रखते हुए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल पैन इंडिया के साथ एसोसिएशन किया है। मायसेल्फ राम रैना, आई एम द डायरेक्टर ऑफ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल पैन इंडिया। जब मैं पैन इंडिया बोलता हूं तो कैम्ब्रिज का जो प्रेजेंस है वो पूना एज अ हेड ऑफिस, पूना में 4 से 5 अलग अलग जगह पर कैम्ब्रिज का प्रेजेंस, हिमाचल प्रदेश में कैम्ब्रिज का प्रेजेंस, अमरावती में अभी है। तो ये जो एसोसिएशन हुआ है, इस एसोसिएशन का बेनिफिट सभी बच्चों को डायरेक्टली मिलेगा। उसके दो रीजंस हैं, एक एकेडमिक एक्टिविटीज और न्यूनेस विल कम इन द केके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द इंटर कनेक्शन, शेयरिंग द कैंपसेस और जो ओवरऑल बच्चों का एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच में जो कनेक्शन डेवलप होगा वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्पेशली केके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में व्हेन आई विजिटेड आई सॉ दैट एवरीवन इज डेडिकेटेड towards the work, right from the management to students। तो ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। सभी टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को टेस्ट करते हुए थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर सभी टीचर्स ने अच्छा एफर्ट्स दिया है, ऑनलाइन टीचिंग को सीखा, सीखने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करते वक्त ये ध्यान दिया कि बच्चों को, पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ ना हो। एग्जामिनेशन कंडक्ट किए, एक्टिविटीज कंडक्ट की, हर एक सारी चीजें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है टीचर्स ने अपना समय देकर, अपना होम एक्टिविटीज को साइड में रखते हुए, अपने बच्चों को थोड़ा कम समय देते हुए उन्होंने केके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के एंटायर स्टूडेंट्स को टाइम दिया। सो सभी टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा ये जो लास्ट ईयर रहा है, क्योंकि बच्चों को सभी चीजें अवेलेबल करवा के देना, टेक्नोलॉजी को समझना, उनके साथ बैठकर वो बच्चों से वो सभी एक्टिविटीज करवा कर लेना, एकेडमिक्स का जो ABCD है वो सभी पेरेंट्स को इस ऑनलाइन के माध्यम से जरूर समझ में आया होगा, जिसके वजह से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एजुकेशन को ले रहे हैं। तो जो लास्ट ईयर एकेडमिक ईयर के सभी पेरेंट्स जो इस साल नए क्लासेस में प्रमोट हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी 2022 जो एकेडमिक ईयर है, जो 21-22, इसमें आप सभी का वेलकम। हम नए एकेडमिक ईयर में नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नए आइडियाज के साथ आपसे मिल रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं नया उत्साह, तो सभी को एक क्वेश्चन मार्क है कि ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। हम ऑप्टिमिस्टिक चीजों में बिलीव करते हैं, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और बच्चों के लिए
जो भी सिचुएशन आएगी उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी से मेरी ये विनंती है कि आप न्यू एकेडमिक ईयर के जो भी कंटिन्यूएशन है वो कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में आ जाइए, जिससे कि हम अगला एकेडमिक ईयर बहुत अच्छी तरह से शुरुआत कर सकें। डियर पेरेंट्स, नए सिलेबस में कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ क्रिएटिविटीज हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। एकेडमिक्स और स्ट्रांग कैसे करें इस पर ध्यान देंगे। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेजेस, ये जो सभी का जो एकेडमिक्स है उस एकेडमिक को हम बच्चों के कैटेगरीज वाइज किस तरह से उनको इम्प्रूवाइज कर सकते हैं, उनके जो लर्निंग एबिलिटीज है उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इसका स्मार्ट वर्क हम करेंगे। हम देखेंगे कि बच्चे ने अगर 70 स्कोर किया है तो वो जो 30 स्कोर जो नहीं किया है उसके ऊपर थोड़ा सा हम असेसमेंट करेंगे, जिससे कि एक पूरे क्लास का हेल्थ समझ में आएगा। हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वैक थ्योरी। वैक थ्योरी विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक, बच्चों को सुनकर समझ में आता है, देखने के बाद समझ में आता है और बच्चों को प्रैक्टिकल करने के बाद समझ में आता है। इन्हीं तीनों एस्पेक्ट के ऊपर पूरा एकेडमिक ईयर हमारा काम करेगा। 5 I कॉन्सेप्ट, जिससे कि हमारे एकेडमिक ईयर्स में और अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। 4 E कॉन्सेप्ट, जिससे बच्चों को एक अपनी एबिलिटी को किस तरह से प्रेजेंट कर सके एकेडमिक वाइज वो पता चलेगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रोबोटिक्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने बोला और हमने किया, हम साल के शुरू में ही हमने रोबोटिक्स लैब का इनॉग्रेशन किया, बहुत सारे पेरेंट्स विजिट किए, बच्चों ने देखा, और सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सभी पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन में रहा और टीचर्स ने भी उतना ही अंडरस्टैंड किया कि रोबोटिक्स होता क्या है और किस तरह से ये बेनिफिट करेगा बच्चों को। नेक्स्ट, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 Ds, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, इन सभी के ऊपर हम अगले कैम्ब्रिज की बात में हम जरूर डिस्कस करेंगे। 3rd, स्पोर्ट्स को हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्लब के अंडर में बहुत सारे एक्टिविटीज हो, इस प्रोफेशन को अच्छे तरह से बच्चे समझे, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ स्किल्स बच्चों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी हम इस साल में एक प्रोग्राम के तौर पर लेकर आ रहे हैं। गुरुकुल, मॉडर्न गुरुकुल, ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चों को हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, हमारी सोसाइटी का रिस्पेक्ट, हमारे देश का रिस्पेक्ट, ये आना ही चाहिए। इस आने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें सही तरह से सही दिशा और सही राइट एजुकेशन अगर हम दें शुरुआत से, तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर एक ह्यूमैनिटी और एक कनेक्टिविटी जरूर डेवलप होगी। और ये डेवलप करने के लिए हम छोटे छोटे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने जो बर्ड्स के लिए पॉट डेवलप करना है जिससे कि उसमें पानी रखे, छोटी एक ह्यूमैनिटी लेवल की एक्टिविटी है। पेड़ लगाएंगे, बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त कोई चॉकलेट्स, कोई केक ना, वो जो पैसा है एक पेड़ खरीदेंगे और हमारे बच्चे हर बर्थडे पर एक पेड़ लगाएं, ये कॉन्सेप्ट हम लाएंगे, जिससे कि बच्चों का कनेक्शन नेचर के साथ बने। सेव वाटर हो, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री कैसे हो, ये सारी जो चीजें हैं ये एक गुरुकुल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत एडिशनली हम लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने थ्रू आउट मेरे टॉक में बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हम इनहेंस करेंगे। म्यूजिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कैसे मिले इसके ऊपर हम पूरे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल माई स्टूडेंट्स ऑफलाइन, बट टिल देन ऑनलाइन विल बी कंटिन्यू टू यू। आप सभी का फिर एक बार थैंक यू।